हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नॉर्मल टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कशन किया होगा या उससे रिलेटेड वर्क भी कंप्लीट किया होगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं जिनकी वजह से वो अपने वर्क के अंदर 100% नहीं दे पाते या उनका आउटपुट जो वो सही नहीं आता। तो उन्हें सारे डाउट्स और क्वेश्चंस का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो जानकारी के लिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आज का डेटा एंट्री के बारे में। ये वर्ड आपने अपनी लाइफ में स्टूडेंट लाइफ से ही काफ़ी बार सुना होगा और इससे रिलेटेड छोटे मोटे वर्क भी आपने किए होंगे, लेकिन क्या एक्चुअली पता आपको कि डेटा एंट्री होता क्या है? डेटा एंट्री है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेटा और एंट्री। तो सबसे पहले डेटा को हम समझने की कोशिश करते हैं। डेटा जो है एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको अपन कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर डेटा बोलते हैं, और डेटा एक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का ग्रुप होता है जिसका कोई ना कोई सेंस या उसका अर्थ निकलता हो। यानी डेटा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या सूचना हो सकती है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। वो एक सेंटेंस के रूप में हो सकता है, वो एक पैराग्राफ के रूप में हो सकता है, वो एक बुक के रूप में हो सकता हो, या वो एक पूरे ग्रुप के रूप में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल का रिकॉर्ड, आपके घर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की काउंटिंग, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है, उसको हम डेटा कह सकते हैं। और ये डेटा जो है दो मोड के अंदर होता है, यानी एक होता है ऑनलाइन मोड में, दूसरा होता है ऑफलाइन मोड में। यानी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो भी डेटा है, चाहे वो आपका स्कूल का रिकॉर्ड हो, आपका ऑफिस की बिजनेस इंक्वायरीज हो, आपके घर का एड्रेस हो, आपके फंक्शंस की डिटेल्स हो, या फिर प्रोग्रामिंग, सारी जो भी लिस्टिंग है, एनेक्सरिंग है, फोटोज़ है, ग्राफ्स है, वीडियोज़ है, सारा जो डेटा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है। लेकिन जब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी उससे पहले भी डेटा तो अवेलेबल था, लेकिन वो डेटा ऑफलाइन मोड में था, और ऑफलाइन मोड के अंदर हम कोई भी डेटा मैनेज करने के लिए रजिस्टर, डायरी या नोट पेज यूज करते थे। और वक्त के साथ साथ हम ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ चुके हैं, और ऑनलाइन मोड के अंदर जो डेटा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर होता है, अलग अलग रूप के अंदर होता है। फॉर्मेट्स के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यूजेबल फॉर्मेट है वो है रिटन फॉर्मेट, यानी लिखा हुआ डेटा जिसको हम अलग अलग लैंग्वेज के अंदर राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मलयालम, राजस्थानी, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अंदर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को राइट कर लेते हैं, तो वो एक रिटन डेटा बन जाता है और वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें तो काफ़ी और सारे डेटा के फॉर्मेट है जिनके अंदर ऑडियो डेटा, वीडियो डेटा, पिक्चर या ग्राफिक का डेटा वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मेट है जिनके अंदर डेटा को अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको यूज़ किया जाता है। ये सारे फॉर्मेट्स डेटा के हैं, और इस डेटा को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड के अंदर कन्वर्ट करना डेटा एंट्री कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी हमने डेटा के बारे में समझा कि डेटा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम जब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तो हम नोटपैड, डायरी और रजिस्टर में मेंशन करते थे, और उसी डेटा को आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेटा एंट्री वर्क। यानी आपका जो ऑफलाइन डेटा था उसको हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, तो ये वर्क ही आपका डेटा एंट्री वर्क होता है। ये कहाँ काम में लिया जाता है? ये पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आज से पहले आपका स्कूल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, वो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किया जाता है, जिसके अंदर आपका स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, मेरिट लिस्ट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फीस डिटेल, ये जो इन्फॉर्मेशन थी सारी आपकी रजिस्टर के अंदर मेंटेन की जाती थी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ तो वही रजिस्टर की जो एंट्रीज थी वो आपको कंप्यूटर में टाइप करके फीड करनी पड़ रही है, या वॉइस से आप उसको बोल के वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू टाइपिंग कर रहे हैं, या फिर उसको स्कैन करके एक इमेज के फॉर्मेट में आप कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऑफलाइन डेटा को ऑनलाइन डेटा में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, से ही हम डेटा एंट्री वर्क बोलते हैं, और वो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी अगर बात करें तो आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी एक डेटा है, एक वीडियो के फॉर्मेट में है, तो इससे डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और जब भी नया डेटा बनाना होता है तो हम ऑफलाइन की जगह डायरेक्टली आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उसको दो बार मेहनत ना करनी पड़े। यानी आपके पास कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर एडमिशन के लिए आ रहा है तो फटाफट आप एंट्री उसके कंप्यूटर के अंदर ही कर रहे हैं, आप रजिस्टर ही मेंटेन नहीं कर रहे। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डेटा को कन्वर्ट करने के लिए जो डेटा मैनुअल फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, टाइप करके करें चाहे फिर स्कैन करके करें या वॉइस रिकॉर्डिंग करके करें, किसी भी वे के अंदर करें, आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हैं, चाहे वो किसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, चाहे वो किसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो,
चाहे वो किसी बुक का प्रिंटिंग का काम हो या फिर बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन या चैप्टर ऐड करने का काम हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना एक डेटा एंट्री का वर्क कहलाता है। और आज के टाइम में काफ़ी सारे ऑफिसेज, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वहाँ पे डेटा एंट्री वर्क के लिए एम्प्लॉय हायर किए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी फिक्स की जाती है, जिसमें काफ़ी सारे डेटा एंट्री के वर्क होते हैं। जैसे पुराना रिकॉर्ड उनका हो, रजिस्टर या डायरी या फाइल्स के अंदर मेंशन होता है, उसको सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है डेटा एंट्री के अंदर, टाइपिंग करके, स्कैन करके काफ़ी तरीके से। और आने वाले टाइम के अंदर जो भी काम हो रहा ऑफलाइन, जो काम है वो न के बराबर हो गया, बाकी मोस्टली जो काम है ऑनलाइन हो गया। डेटा एंट्री जो डायरेक्ट की जाती है, यानी आपको कोई इन्फॉर्मेशन फिल करनी है तो पहले आपको प्रिंट आउट लेके फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आपकी आईडी पासवर्ड लॉगिन करके आप अपनी डिटेल से पूरी डिटेल ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से डेटा एंट्री है जो अपन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफ़ी बार करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।